हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, जीपीसी झालावाड़। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड डिज़ाइन ईएल 307 के चैप्टर 2 के टॉपिक कंपैरेटर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंपैरेटर क्या है या ऑपरेशनल दूसरा पॉइंट होगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सहायता से कंपैरेटर को क्यों बनाया जाता है या किस तरीके से बनाया जाता है। तो कंपैरेटर, अ कंपैरेटर फाइंड्स इट्स इम्पोर्टेंस इन सर्किट्स वेयर टू वोल्टेज सिग्नल्स आर टू बी कंपेयर्ड एंड टू बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन विच इज स्ट्रॉन्गर। अ कंपैरेटर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सर्किट इन द डिज़ाइन ऑफ नॉन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जनरेटर्स एज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स। कंपैरेटर का मुख्यतः उपयोग उन सर्किटों में किया जाता है जहां हमें दो वोल्टेज के बीच कंपेयर करना होता है कि कौन सा वोल्टेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या ज़्यादा कम है, या किसकी जो परिमाण है वो ज़्यादा है या कम है। स्ट्रॉन्गर जो होगा यहाँ या जो वीकर होगा सिग्नल, बेसिकली उनके परिमाण में को कंपेयर करना है। कंपैरेटर का यूज़ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर जो होते हैं उनमें नॉन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जनरेटर के रूप में भी किया जाता है। इन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद एन ओपन लूप कन्फिग्रेशन विद अ डिफरेंशियल और सिंगल इनपुट सिग्नल हैज़ अ वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, द हाई गेन विच गोज टू इन्फिनिटी ड्राइव्स द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन टू सेचुरेशन। यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जब ओपन लूप कन्फिग्रेशन में या डिफरेंशियल या सिंगल इनपुट सिग्नल में जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ किया जाता है और किसी भी सिग्नल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो होती है, तो चूंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन है वो हाई होता है या हम ये कह सकते हैं कि इन्फिनिटी होता है, तो वो जो हाई गेन है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सैचुरेशन में ड्राइव करता है। दस एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑपरेटिंग इन ओपन लूप कन्फिग्रेशन विल हैव एन आउटपुट दैट गोज टू पॉजिटिव सैचुरेशन और नेगेटिव सैचुरेशन लेवल और स्विच बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सैचुरेशन लेवल। यानी कि जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ओपन लूप कन्फिग्रेशन में यूज़ किया जाता है तो जो हाई गेन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, जिससे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो पॉजिटिव सैचुरेशन में और नेगेटिव सैचुरेशन लेवल पे जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि उनके बीच में स्विच करता रहता है। इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सहायता से कंपैरेटर का सर्किट बनाएंगे। तो बेसिकली यहाँ ये जो सर्किट दिखाया गया है हमें, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सहायता से कंपैरेटर का सर्किट है। हम यहाँ देखेंगे बेसिकली ये नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर सर्किट है। अब इसको नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर सर्किट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ये है, और हम यहाँ इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एक साइनोसॉइडल इनपुट वेवफॉर्म या इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसे नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर सर्किट कहा गया है। व इन्वर्टिंग सर्किट पर हम एक वोल्टेज सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं जिसे कि हमने वी रेफरेंस का नाम दिया है। अब इसमें क्या होता है कि जब इनपुट सिग्नल जो है मेरा वी इन, अगर वो रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा है, देन क्या होगा कि जो आउटपुट वोल्टेज है मेरा वो पॉजिटिव सैचुरेशन में आएगा, क्योंकि
यहाँ नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो है वो इन्वर्टिंग जो इनपुट है उससे ज़्यादा होगा। अगर इनपुट जो वोल्टेज है मेरा वी इन, वो जो मेरा रेफरेंस जो वोल्टेज है, ये जो मेरा वी इनपुट वोल्टेज है और ये मेरा जो वी रेफरेंस वोल्टेज है, अगर वी इन जो वैल्यू है वो इस रेफरेंस वोल्टेज से कम है, तो जो मेरा आउटपुट होगा, यहाँ जो मेरे को आउटपुट मिलेगा बेसिकली ये नेगेटिव सेचुरेशन में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा इनपुट है ये इससे वी रेफरेंस से कम है। और इसका हम अध्ययन इसकी वेव फॉर्म में भी देखेंगे। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि बेसिकली यहाँ हमने दो डायोड लगाए हुए हैं, D1 व D2। ये जो दो डायोड हैं इनका यूज़ ऑपरेशनल एम्पलीफायर को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब ये जो डायोड हैं बेसिकली ये किससे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। तो इन जो डायोड है D1 व D2, इनका उपयोग अगर इनपुट वोल्टेज अचानक से बढ़ता है तो उस इनपुट वोल्टेज के अचानक बढ़ने से ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है मेरा उसको कोई ख़तरा ना हो, इसके लिए डायोड D1 व D2 का यूज़ किया जाता है। दीज डायोड्स आर कॉल्ड क्लैंप डायोड एस दे क्लैंप द डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज टू इधर 0.7 और -0.7 वोल्ट। ये जो जो डायोड हैं D1 व D2, इनको हम क्लैंप डायोड कहते हैं, क्योंकि ये जो डायोड हैं ये डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज को 0.7 या -0.7 पर क्लैंप करते हैं। काफ़ी सारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होते हैं उनमें इन क्लैंप डायोड की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने अंदर एक बिल्ट इन प्रोटेक्शन सर्किट रखते हैं। यहाँ इस सर्किट में हमें एक R1B प्रतिरोध इस इनपुट जो सिग्नल है उसके साथ कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली इस R1 का उपयोग हम क्लैंप डायोड के थ्रू करंट को कंट्रोल करने में करते हैं। दूसरा जो प्रतिरोध इस सर्किट में दिखाई दे दिया जा रहा है वो है प्रतिरोध R। अब इस प्रतिरोध R का उपयोग बेसिकली ऑफसेट जो प्रॉब्लम है उनको रिड्यूस करने में किया जाता है। तो ये सब कुछ था ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सहायता से कंपैरेटर सर्किट को डिज़ाइन करना। यहाँ एक प्रतिरोध RL भी दिया गया, लोड प्रतिरोध, और VCC और -VEE ऑपरेशन एम्पलीफायर को काम करने के लिए दी गई सप्लाई है। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम इनपुट वेव फॉर्म देने पर उसका आउटपुट वेव फॉर्म क्या प्राप्त होती है इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी ये एक इनपुट वेव फॉर्म है जिसे कि हम VIN नाम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी हमने VIN दिया। एक रेफरेंस वोल्टेज, यहाँ मैंने 1 वोल्ट का एक तरीके से रेफरेंस वोल्टेज यहाँ लिया गया है। बेसिकली ये एक पॉजिटिव वोल्टेज मैंने यहाँ लिया है वी रेफरेंस, क्योंकि ये 0 से ऊपर है पॉजिटिव वोल्टेज। तो ये जो वी रेफरेंस था ये 1 वोल्ट का मैंने पॉजिटिव सिग्नल लिया हुआ है। अब ये जो इनपुट वेव फॉर्म है इसका जो ये पीक है इसको मैंने VP के नाम से शो करा हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ मैं देखता हूँ इस पॉइंट पे, यहाँ देखने पे पता चलता है कि इस पॉइंट पे इनपुट वेव व वी रेफरेंस बिल्कुल बराबर है, और जैसे जैसे मैं ये ऊपर बढ़ता जाता हूँ तो मेरा इनपुट वेव जो है वो वी रेफरेंस से ज़्यादा होती है और इस पीक तक VP तक पहुँचती है और उसके बाद धीरे धीरे कम होती है, लेकिन फिर भी इस पॉइंट तक आने तक भी
जो मेरी इनपुट वेव फॉर्म है वो वी रेफरेंस से ज़्यादा है, यानी मैं कह सकता हूँ कि इस पॉइंट से ऊपर ऊपर जो इनपुट वेव है वो वी रेफरेंस से ज़्यादा है। अब चूँकि वी इनपुट जो सिग्नल है वो मैंने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाया हुआ है और वी रेफरेंस जो है वो मेरा इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई हुआ है, तो जब ये इनपुट जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो इनपुट वेव फॉर्म लगाई हुई है मैंने, ये वी रेफरेंस से ज़्यादा होने पर ये क्या करेगी कि आउटपुट जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उसको पॉजिटिव सेचुरेशन पर धकेलेगी। तो पॉजिटिव सेचुरेशन में जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा। अब मैं देखता हूँ कि इस पॉइंट पे आने के बाद मेरा वी रेफरेंस इनपुट वेव से ज़्यादा होने लगता है और वी रेफरेंस यहाँ तक इस पॉइंट तक आने तक ये वी रेफरेंस मेरा इनपुट वेव फॉर्म से ज़्यादा है इस पॉइंट तक। तो इस केस में जब ये इनपुट वी रेफरेंस जो है मेरा वो ज़्यादा पड़ेगा इनपुट वेव फॉर्म से, तो चूंकि वी रेफरेंस जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करा हुआ है, तो जो वी रेफरेंस यहाँ ज़्यादा होने के कारण जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसको नेगेटिव सेचुरेशन में उसके आउटपुट को धकेलेगा। तो बेसिकली नेगेटिव सेचुरेशन में ये इसका आउटपुट यहाँ से यहाँ तक वी रेफरेंस के ज़्यादा होने के कारण आता है। तो यहाँ इस पॉइंट से ये वी रेफरेंस ज़्यादा स्टार्ट होने लगा और इस पॉइंट तक बिल्कुल ज़्यादा रहा, तो उस केस में ये जो आउटपुट आया है बेसिकली ऑपरेशन एम्पलीफायर का ये माइनस वी रेफरेंस आया है एक तरीके से। तो ये जो है ये नेगेटिव सेचुरेशन ऑपरेशन एम्पलीफायर के नेगेटिव सेचुरेशन में होने के कारण आया है। फिर इस पॉइंट के बाद मैं देखूँगा कि फिर से मेरा इस पॉइंट के बाद मैं देखता हूँ कि मेरा फिर से इनपुट वेव ज़्यादा होता है और वी रेफरेंस कम होता है। तो अगेन इनपुट वेव के ज़्यादा होने के कारण व नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के पर अप्लाई होने के कारण आउटपुट जो होगा वो पॉजिटिव सेचुरेशन में आएगा ऑपरेशन एम्पलीफायर का। तो इस पॉइंट से मेरा जो आउटपुट है ये बेसिकली पॉजिटिव सेचुरेशन में आना स्टार्ट होगा। अगेन इस पॉइंट तक, क्योंकि इस पॉइंट के बाद फिर से वी रेफरेंस ज़्यादा होने लग जाएगा तो वो नेगेटिव सेचुरेशन में धकेलेगा। तो इस तरीके से मेरा आउटपुट पॉजिटिव और नेगेटिव में सेचुरेशन में आता रहता है और उसके बीच में स्विच करता रहता है। एक तरीके से हम यहाँ देखेंगे जो ये वेव फॉर्म जनरेट हो रही है ये बेसिकली एक नॉन साइनोसोइडल वेव फॉर्म भी है। इसलिए हमने जब कहा था ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ नॉन साइनोसोइडल वेवफॉर्म जनरेशन में भी होता है। अब दूसरा जो मेरा वेवफॉर्म का डायग्राम है, बेसिकली यहाँ मैं जो वी रेफरेंस था अब मैंने वो नेगेटिव ले लिया है, यानी एक तरीके से -1 वोल्ट, अगर मैं इसको 0 वोल्ट मानूँ और इस वी रेफरेंस को -1 वोल्ट भी मान सकता हूँ। यहाँ मैंने 1 वोल्ट ऊपर मान के चला था, यहाँ नीचे माना है मैंने वी रेफरेंस, तो उस केस में मेरा वेव फॉर्म क्या होगी? हालांकि -1 वोल्ट सिर्फ वोल्टेज है, बाकी वी रेफरेंस जो है मेरा वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ही है और जो इनपुट सिग्नल है वो मेरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ही है। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक मेरा वी इनपुट जो है वो वी रेफरेंस से ज़्यादा है, तो उस केस में मेरा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव सेचुरेशन में आएगा। तो वो इस तरीके से यहाँ तक, इस पॉइंट तक जो है वो पॉजिटिव सेचुरेशन का आउटपुट आया, वी सेचुरेशन इस पॉइंट तक। लेकिन उसके बाद इस पॉइंट के बाद मेरी वेव फॉर्म नीचे जाने लगी वी रेफरेंस से, तो वी रेफरेंस ज़्यादा हो गया, वी रेफरेंस ज़्यादा हुआ, तो वी रेफरेंस ज़्यादा होने के कारण ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट आएगा वो आएगा -V सेचुरेशन। तो ये -V सेचुरेशन इस के कारण ये -V सेचुरेशन आया। फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद
इस पॉइंट पे आने के बाद फिर से अगेन मेरा जो इनपुट वेव फॉर्म है वो ज़्यादा हो जाती है वी रेफरेंस से यहाँ से, तो यहाँ से मेरा आउटपुट जो होगा वो पॉजिटिव वी सेचुरेशन आ जाएगा, क्योंकि जो मेरा इनपुट वेव है वो रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा है। तो इस तरीके से मुझे कंपैरेटर के थ्रू इनपुट एवं आउटपुट वेव फॉर्म मिलती हैं। और बेसिकली यहाँ पॉजिटिव वी सेचुरेशन बताता है कि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगा हुआ वोल्टेज है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल से लगा हुआ वोल्टेज से ज़्यादा है, और नेगेटिव सेचुरेशन बताता है कि जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगा हुआ वोल्टेज है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगे हुए वोल्टेज से ज़्यादा है, और ये एक नॉन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म भी जनरेट होती है। थैंक यू।